नमस्कार जोहार, झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। बेरोजगार युवाओं को मिलेगा मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का लाभ। बोकारो जिले के SC समुदाय के बेरोजगार हुनरमंद युवाओं को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलेगा। राज्य स्कीम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत राशि का आवंटन किया गया है। आवंटन की अधिसीमा तक यह व्यय सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार की ओर से अवर प्रादेशिक न्यूजनालय बोकारो स्टील सिटी को 3,31,20,000 रुपये, दिव्यांगों के लिए विशेष न्यूजनालय बोकारो को 47,20,000, अवर प्रादेशिक न्यूजनालय बोकारो थर्मल को 85,60,000 रुपये एवं अवर प्रादेशिक न्यूजनालय तेनुघाट को 65,60,000 रुपये आवंटित किए गए हैं। CM हेमंत सोरेन ने वन महोत्सव का किया उद्घाटन, बोले सभी सरकारी खाली जमीन पर लगाए जाएंगे पौधे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस साल वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत पूरे झारखंड में 1,70,00,000 पेड़ लगाए जाएंगे। रांची जिले में 1,00,000 पौधे लगेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इतनी भी सरकारी जमीन खाली पड़ी है उन सब पर पेड़ लगाए जाए। मुख्यमंत्री कल वन महोत्सव कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर रांची के गांधी ग्राम में जनता को संबोधित कर रहे थे। स्कूलों ने भेजा मूल्यांकन रिपोर्ट, जानिए कब आएगा CBSE 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। कोरोना संक्रमण के कारण CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन के 10वीं और 12वीं की परीक्षा स्थगित कर विशेष मूल्यांकन योजना के तहत रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। बोर्ड के गाइडलाइन के अनुरूप स्कूलों ने अपने स्तर पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर रिपोर्ट पटना स्थित CBSE के रीजनल ऑफिस भेज दिया गया है। रिपोर्ट भेजने में 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया है। रांची के DAB हेल के प्राचार्य MK सिन्हा ने बताया कि स्कूलों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट को बोर्ड देखेगी, इसके बाद पुनः जांच के लिए भेजा जाएगा। झारखंड के 19,00,000 किसानों को KCC मुहैया कराएगी झारखंड सरकार, बादल ने कहा। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि 19,00,000 किसानों को राज्य सरकार KCC कार्ड मुहैया कराएगी। उन्होंने बैंक से कहा कि KCC कार्ड मुहैया कराने के प्रति गंभीरता दिखाएं, KCC कार्ड मुहैया कराने में सहयोग नहीं करने वाले बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है, किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 12 दुकानदारों से 2,300 रुपये जुर्माने की वसूली। चास SDO दिलीप प्रताप सिंह शेखावत के निर्देश पर कोटपा उल्लंघन मामले को लेकर सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाकर 12 दुकानदारों से 2,300 रुपये जुर्माना वसूला गया। जिन दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया उसमें राजीव कुमार, अशोक रामायण वर्मा, विकास कुमार जवाहर राय, आनंद कुमार झा, दिनेश साहू, सदाउल हसन, मनीष कुमार राजीव और अभिषेक कुमार शामिल हैं। इन दुकानदारों में झारखंड में प्रतिबंधित पान मसाला और गुटखा की बिक्री की जा रही थी। झारखंड के लातेहार में टला बड़ा ट्रेन हादसा, मालगाड़ी के 2 डिब्बे बेपटरी, कोई हताहत नहीं। CIC सेक्शन बरकनाना बराडी रेलखंड अंतर्गत महुआ मिलान जंक्शन के समीप लाइन नंबर 1 पर खाली मालगाड़ी के 2 डिब्बे बेपटरी हो गई। इस दुर्घटना में रेलवे ट्रैक व हाईटेंशन बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हो गए। घटना की सूचना के बाद ART बरकनाना की टीम पहुंची और राहत बचाव कार्य रात में ही आरंभ किया गया। इसमें किसी भी हताहत होने की खबर नहीं है। ट्रेन की रफ्तार धीमी थी, अन्यथा बड़ा रेल हादसा हो सकता था। रघुवर दास ने कहा कि मैनहट मामले पर बोले नहीं कार्रवाई करे सरकार। पूर्व CM रघुवर दास ने मैनहट मामले पर कहा कि सरकार इस पर बोले नहीं कार्रवाई करे। रघुवर दास ने कहा कि अगर गलती है तो सरकार जांच कराने के लिए स्वतंत्र है। जांच को आज क्या, उन्होंने कहा कि इस मामले की पूरी निष्पक्षता के साथ जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार उनके लिए पूरे 5 साल के मुख्यमंत्री काल के भी जांच करा ले। तीसरी लहर से निपटने के लिए सदर अस्पताल में सुविधाएं नहीं, हाई कोर्ट की फटकार। रांची सदर अस्पताल में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चल रही तैयारियां सवालों के घेरे में है। झारखंड हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर
सुनवाई के दौरान सदर अस्पताल में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चल रही तैयारियों की डेडलाइन फेल होने पर फटकार लगाई है। कोरोना की दूसरी लहर से सीख लेते हुए सदर अस्पताल को सुविधाओं से लैस करने की कोशिश जरूर तेज हुई है, लेकिन इसे पूरा करने में निजी कंपनियां फेल साबित हो रही है। झारखंड के इन जिलों में बारिश के आसार, वज्रपात की भी आशंका है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सिमडेगा जिले के कुछ भागों में कल बारिश की संभावना थी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बारिश के दौरान मेघ गर्जन होगा, इतना ही नहीं वज्रपात की भी आशंका व्यक्त की गई है। ऐसे में आप मौसम खराब रहने पर सतर्क रहें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। भूलकर भी पेड़ों के नीचे नहीं ठहरें। पानी वाले स्थानों से खासकर खेती पर कर रहे किसान सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। पुरुषों को जागरूक करना ज्यादा जरूरी, जनसंख्या नियंत्रण पर बिहार की डिप्टी सीएम बोली। बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण पर पुरुषों को अधिक जागरूक करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, अक्सर यह देखा गया है कि बेटी की चाहत में पति और ससुराल वाले महिला पर अधिक बच्चे पैदा करने का दबाव बनाते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए महिलाओं को शिक्षित होना जरूरी बताया था। पांचवी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने शेर बहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली की ली जगह। नेपाल के राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया कि राष्ट्रपति ने मंगलवार को केपी शर्मा ओली की जगह शेर बहादुर देउवा को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। 74 वर्षीय देउवा ने पांचवी बार नेपाल के प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला। इससे पहले सोमवार को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने मई में भंग हुई संसद को बहाल करने का आदेश दिया था। केरल में मिले जीका वायरस के 3 और नए मामले, कुल मामले बढ़कर हुए 22। केरल की स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज ने मंगलवार को बताया कि तिरुवनंतपुरम के एक 38 वर्षीय डॉक्टर समेत 3 लोगों को जीका वायरस संक्रमण की पुष्टि होने के बाद राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। गौरतलब है कि केरल सरकार तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर और कोबिकोड मेडिकल कॉलेज में टेस्टिंग की व्यवस्था शुरू कर चुकी है। वैक्सीन लगवाने वालों को मुफ्त छोले भटूरे की प्लेट खिला रहा चंडीगढ़ का एक विक्रेता। चंडीगढ़ में एक विक्रेता कोविड 19 के वैक्सीन लगवाने वालों को छोले भटूरे की एक प्लेट मुफ्त खिला रहा है। छोले भटूरे की विक्रेता संजय राणा ने कहा कि रोजाना करीब 25-30 लोगों को वो मुफ्त छोले भटूरे खिला रहे हैं। पंजाब के गवर्नर एवं चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर भी संजय की इस पहल की सराहना कर चुके हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने हिमाचल प्रदेश के 8वें राज्यपाल के रूप में ली शपथ। गोवा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के 28वें राज्यपाल के रूप में राजभवन में शपथ ली। हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमत ने अर्लेकर को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व मंत्रिमंडल के सदस्य भी मौजूद रहे। एमपी में बहाल होगी भोपाल गैस त्रासदी की पीड़ितों की विधवाओं के लिए 1000 अतिरिक्त पेंशन। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को भोपाल गैस त्रासदी के दिवंगत पीड़ितों की विधवाओं के लिए सामाजिक पेंशन योजना के अलग 1000 प्रतिमाह पेंशन दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। भोपाल मिश्रा 2013 में शुरू हुई योजना 2019 में कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी थी, जिसे अब दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। एक ही परिवार के 6 लोगों को महाराष्ट्र के कथित तौर पर जनरेटर से निकली गैस से हुई मौत। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सोमवार रात को कथित तौर पर डीजल से संचालित जनरेटर से निकली जहरीली गैस के चलते एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई और 7वां सदस्य अस्पताल में भर्ती है। बकौल पुलिस, पड़ोसी ने घर में धुआं भरा हुआ देखा था। बकौल रिपोर्ट्स, परिवार ने एसी इस्तेमाल के लिए जनरेटर चलाया था। हिल स्टेशन और बाजारों में बिना मास्क पहने भारी भीड़ का उमड़ना चिंता का विषय, पीएम मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में कहा कि बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन और बाजारों में बिना मास्क पहने और प्रोटोकॉल के अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि तीसरी लहर आने से पहले एंजॉय करना चाहिए, तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। जनसंख्या कानून पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने बढ़त बनाई, एमपी और बिहार जैसे राज्यों में भी उठ रही है मांग। उत्तर प्रदेश में आबादी कंट्रोल करने के लिए कानून बनाने की तैयारी के बीच अब बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी ऐसी ही मांग उठने लगी है। उत्तर प्रदेश के विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसके मुताबिक 2 से ज़्यादा बच्चे वालों को सरकारी नौकरी और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लाभ नहीं मिल पाएंगे। अब इस फार्मूले को दूसरे राज्य में भी पसंद किया जा रहा है और ऐसा ही कानून बनाने की मांग हो रही है।
यहां तक कि बिहार में तो बीजेपी और नीतीश सरकार की जेडीयू के बीच इस मामले पर मतभेद भी ऊपर आए। 15 जुलाई को वाराणसी में रखेंगे पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र से फूकेंगे यूपी चुनाव का बिगुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान वह अलग अलग 400 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत भी करने वाले हैं। इस साल वाराणसी में होने वाला पीएम का यह पहला दौरा होगा। 2022 में होने वाले चुनाव के लिए पीएम मोदी गुरुवार को ही बिगुल फूकने वाले हैं। यूपी सरकार के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक अगले साल की शुरुआत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मोदी अगले 100 दिनों में अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए भौगोलिक रूप से यूपी के कई इलाकों का दौरा कर सकते हैं। लापरवाही पर हेल्थ मिनिस्टर का तंज। कोरोना की तीसरी लहर की बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि मौसम का अपडेट दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को देश के हिल स्टेशन और मार्केट में बढ़ती भीड़ पर चिंता व्यक्त की है। हेल्थ मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा कि लोग कोरोना की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। हम जब भी थर्ड वेव की बात करते हैं तो शायद उन्हें लगता है कि हम मौसम का अपडेट दे रहे हैं। शायद इसलिए कई जगह कोरोना प्रोटोकॉल की बिना भीड़ भाड़ देखी जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशों के बीच उत्तराखंड सरकार ने कांवर यात्रा रद्द की, यूपी में जारी रहेगी। कोरोना वायरस के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने इस साल कांवर यात्रा को रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवर यात्रा के संबंध में सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट में पाए जाने वाले कोविड की तीसरी लहर की आशंका और देश विदेश में इसके दुष्प्रभाव पर गहन विचार विमर्श किया गया। इस संबंध में विशेषज्ञों की राय पर भी विचार विमर्श किया गया। मनुष्य जीवन की रक्षा को सर्वोत्तम प्राथमिकता देते हुए आगामी कांवर यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक को यथोचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। यह भी निर्देश दिए गए हैं कि पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के संबंध में स्थापित करते हुए प्रभावी कार्य हेतु अनुरोध किया जाए ताकि वैश्विक महामारी को रोकने में सफल हो सके। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, देश में एक मिनट में पैदा होते हैं 33 बच्चे, जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी। केंद्रीय मंत्री और बिहार के कद्दावर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को देश के लिए बेहद जरूरी बताया। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि जनसंख्या नियंत्रण धर्म और राजनीति का मुद्दा नहीं बल्कि विकास से जुड़ा मुद्दा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बेहद जरूरी है। मोदी कैबिनेट के विस्तार के बाद ग्रामीण विकास मंत्री बनाए गए गिरिराज सिंह बिहार के लखीसराय जिले के बढ़िया स्थित अपने पुश्तैनी गांव के घर में भव्य स्वागत किया गया। सौरभ गांगुली पर बनेगी बायोपिक, रणवीर कपूर निभा सकते हैं दादा के किरदार। टीम इंडिया के सबसे कामयाब कप्तानों में से एक सौरभ गांगुली के जीवन पर बनने वाले बायोपिक को हरी झंडी मिल गई है। यह फिल्म वायकॉम के बैनर तले बनेगी। खबरों के माने तो इसमें रणबीर कपूर और सौरभ गांगुली के रोल निभाते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी नहीं दी गई है। सौरभ गांगुली से पहले पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर की लाइफ पर फिल्म बन चुकी है। पीएम मोदी ने पूछा मन की बात का विषय, लोगों से लंबी लिस्ट बता दी। पीएम मोदी हर महीने रविवार को मन की बात कार्यक्रम करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी मन की बात से जुड़े। इसके लिए उन्होंने आवाम से पूछा कि वे किन विषयों पर इस महीने के मन की बात कार्यक्रम को शामिल करना चाहेंगे। पीएम के इस सवाल पर लोग कई टॉपिक्स की लिस्ट शेयर कर दी। एक यूजर ने लिखा कि पेट्रोल से लेकर गैस के बढ़ते दाम तक। एक ने लिखा है बेरोजगारी, गरीबी और बात करेंगे। क्या नंदीग्राम विधानसभा सीट के वोटों की गिनती फिर से होगी? कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई आज। कोलकाता के नंदीग्राम विधानसभा में वोटों की फिर से गिनती को लेकर दायर याचिका पर कलकत्ता उच्च न्यायालय बुधवार को सुनवाई करेगी। नंदीग्राम सीट केस की सुनवाई जस्टिस संपा सरकार करेगी। दरअसल तृणमूल कांग्रेस प्रमुख बनर्जी ने अपनी याचिका में भाजपा विधायक अधिकारी पर जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण अपनाने का आरोप लगाया है। बनर्जी ने याचिका में यह भी दावा किया है कि मतगणना प्रक्रिया में विसंगतियां थी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।